पर जो नौजवान बैठे हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था, बताओ अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जहां कहीं भी जिस घर में मिला होगा वो लैपटॉप चल रहा होगा, और जब कभी भी उसको चलाते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी भी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया, और उसमें उंगली चलाते रहो, चला तो चला नहीं तो नहीं चला। बताओ समाजवादियों का दिया लैपटॉप आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिन साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी और कंपनी चलाते उससे मिले थे, और बातचीत के दौरान जो बात हो रही थी, जो अखबार और टीवी में भी चली, उन्होंने कहा कि भारत को जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने के लिए कोई काम करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले ही खत्म करने की कोशिश की थी। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है, आपको जो राशन देना है, खराब वाला राशन नहीं, जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं।